आज के 30 जून में, इसके पहले हमने कहा है जो 30 जून में सब कुछ बन रहा है, जब मोबाइल पकड़ो किनारे से, बटन भी इसमें ससरे लगाए हैं, बहुत कमीना बहुत अंधा समाज आज भी ससरे, हम मोबाइल बनाए फैंसन, मतलब फैंसी ने बटन लगाया, अब यो मोबाइल पकड़ो बटन दब जा, जैसे दवाई कंपनियाँ वाली, अब बाबा राम जो एंड कंपनी था या बहुत सी कंपनी था, आंवला चूरना था, एक चौड़े डिब्बे में रख, जब आंवला चूरना आदमी खाएगा तो चम्मचे से तो खाएगा, हाँ। वो शीशे बनाए हैं बहुत सारे, अब पहले निकालो, पहले भर से बाहर गिरा, अब जब भी है कहीं जाना है फिर उसको वापस करो, फिर इसमें हवा लगा, इतने मूर्ख टाइप के हमारे लोग हैं कि केवल पैसा उनको दिखता है, जनता की सुविधा देखो, चाहे आप बाबा हो और चाहे नेता, जनता की सुविधा देखो। दूसरी बात कि अब ओवरहॉलिंग बहुत ज़रूरी है, क्यों आदमी उपवास करता है, ओवरहॉलिंग ये ज़रूरी है कि हर 10-15 साल के बाद मिलिट्री शासन बिखर पड़त जिन्हें जो फिर बनाए रहे उनको हटना पड़ेगा, 5 साल या 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मिलिट्री शासन लगाना, ताकि वो ओवरहॉलिंग कर सकें, जहाँ देखो नेता वहाँ गोली चल रही, वहाँ मणिपुर और सोनपुर और क्या, यहाँ क्या वो नेता मिलने जा रहे हैं तो गोली मारे जा रहे हैं, तो कोई रो रहा है, नेता न हो गए भगवान हो गए, इसीलिए हम लोग आज़ाद हुए थे, अरे अंग्रेज में रहे सफ़ेद वाले तो कम से कम रेल हवाई जहाज और पूरे दुनिया में आदमी जा सकता है, इस काले अंग्रेजों ने 70 सालों तक हम लोग एक रेडियो के लिए तरस गए, नेपाल में मिलता था यहाँ नहीं मिल सकता, इतनी शक्ति थी, ठीक, और दूसरे खाने के लिए शक्ति नहीं और कोई मना ही नहीं, कितने फर्जी NGO चल रहे थे, फर्जी NGO, वो सारे NGO को मोदी जी ने बंद किया, तो जो अच्छा काम करे उसके बारे में बोलो, वो अब BJP वाले भी जो अन्य पार्टी वाले हैं अगर अच्छा काम किया है उसके चाहिए, जहाँ साहब जहाँ आपने अच्छा किया और जहाँ आपने गलत, जो रखी आप ट्रांसलेट ही रखी, लेकिन ना क्योंकि जनता अंध, अब कोई नेता वहाँ कौन सी हमारे बूढ़ी बूढ़ी भीड़े भीड़े भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है बिना सोचे, कोई बाबा जी आ गए, बाबा जी अभी कल पैदा हुए हैं तो 24 घंटे में बाबा बन गए, 24 घंटे में बाबा बन गए, यही आदमी जो कैमरा लेकर बना रहा, जब हमने कहा कि अखबार की कटिंग निकालो छाँटो, उसने क्या कहा क्या कहा, तो बाबा अरे हम तो पैदल नहीं भय रहे, कहा था ना, हाँ बाबा सब कहना है, हम पैदल नहीं भय रहे, हाँ। और सबसे अरे हम कहा यही कहा छो अपने बाप की उम्र पूछो, हम समझे बाप जवान रहे हुई हैं, हाँ। जवान रहे हुई हैं वह जमाने की न्यूज़ हो, तब सबरे बाप से शादी न भरी हुई वह जमाने की न्यूज़ हो, नहीं नहीं प्यारा मेरा देश महा प्यारा मेरा हिंदुस्तान कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये न करके दिखाने का वक्त आ गया, अब भारत को जो भारत बनाएगा हमारी संस्कृति को बचाएगा समझ गया वही टिक पाएगा, नोट कर लो हमारे देखो देखो उधर दिखाओ कितना थोड़ा पार्टी शानदार घोड़ा है, ये देखो अभी घोड़ा पथल को निकाल दिया ऊपर और गद्दी रखी है, ये गद्दी इस गद्दी को भी काट सकता है, लिहाजा इनको यहीं कंधे से बांधना है और रिक्शे को आगे खड़ा कर देना है, ठीक, हाँ इनको इसी कंधे से बांधना ताकि पक्के में चेहरे में भीगे ना, मोटे वाले से, हाँ मोटे वाले से ही बांधो, तो करीब में बांधो कि चेयर में फंसा देता, अच्छा, और ये सर इनको जरा जो है सब उठा के भाई धूल में डाल दिया करो, बटोर के नहीं, हाँ। बटोरा और कंकर फेंक दिया, हाँ। दूसरी बात जो तुमने वहाँ घोल लगाया था घोड़े, हाँ। ने खोद दिया है, हाँ। उसको हम जहाँ बचाने, हाँ। उसको घर के डालो, घर के समय उसमें जितनी कंकर हो, हाँ। जितनी कंकर हो तो उसको निकाल लेना, अब कहीं हम उसको भूल में नहीं डलवाएंगे, पूरा हमारा भूल बर्बाद हो जाएगा, और अब उनसे कहेंगे कि अगर आप बोरी में भरती हैं तब तो आएगा वरना हमको नहीं चाहिए, जो हमारा अच्छा खासा घूर बर्बाद हो जाए, भाई कंकड़ पत्थर ही खेत में थोड़े डालना है,
ये है आप तीस जून का देख रहे हैं, जब चलने को हुए तो अब देखिए आदमी का भी हर्जा हो रहा है, इनके तो घड़ी चल रही है, जहाँ 5 बजे इनके 300 बन गए यहाँ पर काम हो जाएंगे, तो अब ये पानी जोर मारे है, इसलिए सोचा कि सुबह सुबह सन्नाटे में निकल जाएंगे तो भीड़ कम होगी, उसे भी अस्पताल में आप सन्नाटे ही हो, तो हमको मोबाइल लाओ तुम झिल्ली दो बांध लो, समझ गया, लाओ तुम झिल्ली दो बक्से से निकालो जाके, अरे खुद अपना इंतजाम रखना चाहिए तुमको यार, तो नहीं तो मेरे बप्पा कैसे हैं, नहीं कहें बेटवा कहाँ जाइए भीजत में, अरे फिर बड़ा मुश्किल है, बुनियाद रहा रास्ते में प्रलय भी तो आ सकत रहा, ये सुनो ड्रम के अंदर देखो खोल खोल के, हाँ ये ड्रम के अंदर हो सकता है झिल्ली रखवा जाओ, एकदम ड्रम यहाँ रखे हैं सबने खोल खोल के देखो, इसलिए कि बाहर रहेगा तो लोग गायब कर दो, अरे जो ड्रम सब रखे हैं कहाँ रखे हैं ड्रम, हाँ इसके अंदर खोल खोल के देखो, अगर खाली ड्रम है बुढ़िया में डबल रोटी है तो उसका ड्रम में रख दो, रात दिन 24 घंटा कुछ नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा हो इससे बड़ी कोई पूजा हो हनुमान जी की, मिल गया ना, बहुत बड़ी झेली है ये, जब पूरा दिया था कि गाड़ी हमारी मूंज जाए ढक जाए तो इसको हमारे ख्याल से कटा कर छोटा करना ठीक नहीं है ना, ऐसे हिसाब से कि गाड़ी हमारी मूंज जाती है ये, तब किनारे से मूंज दिया बांध दिया रस्सी से, है ना, समझ गए कि नहीं, गाड़ी में जैसे हम बैठ गए ओढ़ के और इसमें झिल्ली में किनारे किनारे बंधन लगा लिया जाएगा, अच्छा और इसमें और याद दिलाना वेल्डिंग इसमें करवाएंगे, अच्छा देखो यहाँ पर कांटेदार ताकि इसमें रस्सी से आदमी रस्सी फंसा दे, है ना, बढ़िया बस पानी बरस रहा है, और जो चलाने वाला है वो अपना ऐसे ही अपना वो भी कोट इसका पहन ले, बरसे पानी में चाचा है जहाँ जाओ, हम भी पीछे इसमें बैठे हैं ओढ़ करके, सामान रोटी भी नहीं भेजेगा हम भी नहीं भेजेंगे, ठीक इसको इसे गांठ लगा दो थोड़ा सा, है ना, बहुत नीचे एकदम राजन के तरह लटक रहा है, चलो गांठ लगा दो, लेकिन मूड़ मूड़े की क्या करी अरे मूड़े से गिर जाइए, हाँ अरे नहीं उतलो लगाए हो ना, बांधो बांधो हेलमेट तो है ही है यार, हेलमेट लगाओ, अब और नया नियम बेल्ट लगाओ पीछे की सवारी में करो, ऐसे देखो इससे जनता ऊब जाती है, समझ गए, अरे कोई कहीं है कोई कहीं है कोई जल्दी में है, है? अरे जिसको अपनी जान परवाह अपनी रक्षा करे, ये सड़क के गड्ढे तो भरवाइए पहले, मौत का कुआं क्यों, हम लोग जो पुल से उतरते हैं यही फायर ब्रिगेड वाले इस पुल में कितने भयंकर खांचे हैं, एक जगह नहीं कई जगह है ना, और ये बताओ बैटरी के रिक्शा वाले खून के आंसू रो रहे हैं कि नहीं, क्या ये सरकार को नहीं देखना चाहिए, नेताओं को नहीं देखना चाहिए, हैं बेल्ट लगाइए हेलमेट लगाइए और चप्पल पहनिए, सिर्फ एक पैसा कमाने का एक तरीका लोगों ने बना रखा है, उसी का अंजाम दो फिर इलेक्शन में, आप जनता की अगर जनता की पीड़ा नहीं समझेंगे तो आपको सजा मिलेगी कि नहीं, हो गया चलो ठीक, चलिए अब हम चल रहे हैं अस्पताल की ओर, पानी रुका हुआ जैसे ताला तो लगाओ मेरे कमरे में, भूले जा रहे हैं पूरा वास्को डी गामा इनको मैंने बना दिया, लग रहा है ये भारत की खोज करने जा रहे हैं वास्को, चलो दे जाते हैं भैया, आजकल गाड़ी खूब चोरी हो रही, अब हम भीगते भागते, अब उम्र हो गई ना इतनी तो दिक्कत आती है, यह देखो अब हम लोगों को देखा, हम लोग जा रहे हैं भैया देखो, उसके बाद हम लिख करके देंगे फिर वही जाना, अरे बस स्टेशन पर पूरा नफाई करो कागज़ में लिख के दे दे तो महाराज जिसको आप जल्दी जल्दी बनवा दीजिए, सामने वाले से पेमेंट हम भिजवा रहे हैं, ठीक है, एक पिंजड़ा अवे यहाँ खड़ा हो जाए तो ये बड़े आराम से इन्हें खूब उछले कूदे, यानी इनका साथी का बंद कर दे, कुत्ते का भी छोड़ दे,
सब इनके खेल देखो इसके अंदर, तब इसके वीडियो बनाए लाइक हुई। इनको देखो सीखो समझो, केवल मनोरंजन मत करो। मनोरंजन कर रहे हो तो मौत की ट्रेन का भी याद कर लो। जय श्री राम का।